क्या आप मुमरा में प्रॉपर्टी देख रहे हो? तो मैं आपको यहाँ मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से आप 1 BHK, 2 BHK, 3 BHK, 4 BHK चाहे शॉप ले सकते हो। फिलहाल हमारा जो लोकेशन है वो शील थाना की तरफ है। यहाँ से आपको कटाईनगर का एरोली ब्रिज हो गया, या आपको मेट्रो स्टेशन हो गया, या आपका बुलेट ट्रेन स्टेशन हो गया, सारी चीज़ आपको वॉकिंग डिस्टेंस से मिल जाएगी। स्कूल, हॉस्पिटल, कॉलेज और आपके एमिनिटीज के स्विमिंग पूल तक यहाँ पे अवेलेबल है। यहाँ पे ऑफर डिस्काउंट बहुत अच्छे चल रहे, 10% डाउन पेमेंट एंड 90% आपको लोन तक फैसिलिटी अवेलेबल है। तो ज्यादा जानकारी के लिए इस नंबर पे कॉल करें और अगर कॉल बिजी आए तो व्हाट्सएप करें। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। देश की आर्थिक राजधानी में आने वाले दिनों में मुंबई सेंट्रल सहित शहर के 8 रेलवे स्टेशनों के नाम बदले जाएंगे। महाराष्ट्र में सिंधे सरकार ने राज्य को ब्रिटिश काल के रेलवे स्टेशनों के नाम बदलने को लेकर कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। इन स्टेशनों का नाम बदलने को महाराष्ट्र सरकार ने केंद्र सरकार को एक प्रस्ताव भेजा है, जिस प्रस्ताव पर केंद्र सरकार की मुहर लगने के बाद इन रेलवे स्टेशनों के नाम बदल जाएंगे। इन स्टेशनों के नाम बदलने को लेकर शिंदे गुट के शिवसेना सांसद राहुल शेवाले ने ब्रिटिश काल के नामों को बदलने का समर्थन किया है। इसके पहले विक्टोरिया टर्मिनस को छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस, ओसीवरा स्टेशन को राम मंदिर और एलिफेंट रोड को प्रभा देवी किया जा चुका है। जिन स्टेशनों के नाम बदले जाएंगे उनके नाम है करी रोड रेलवे स्टेशन का नाम लालबाग, सेंडेस रोड रेलवे स्टेशन का नाम डोंगरी, कॉटन ग्रीन स्टेशन का नाम काला चौकी, डॉकयार्ड रोड स्टेशन का नाम मजगांव, किंग सर्कल स्टेशन का नाम तीर्थकर पार्श्वनाथ, मरीन लाइंस स्टेशन का नाम मुंबा देवी, चरनी रोड का नाम गिरगांव, मुंबई सेंट्रल का नाम नाना जगन्नाथ शंकर सेठ रखने के 8 मांग हैं। महाराष्ट्र द्वारा इन स्टेशनों का नाम बदले जाने को लेकर कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा जाएगा, जिस पर प्रस्ताव को केंद्र की अंतिम मुहर लगने के बाद इन स्टेशनों के नाम बदल दिए जाएंगे।